दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जीपी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गणेश और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीपी टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 48 मेगापिक्सल वाले सैमसंग के GM1 सेंसर और सोनी के IMX586 सेंसर के बारे में बताने वाला हूँ, और ये सेंसर कैसे वर्क करते हैं और इन सेंसर में क्या क्या डिफरेंसेस है इसके पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कई लोग कहते हैं कि सैमसंग का जो GM1 सेंसर है वह एक ट्रू 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर नहीं है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सैमसंग का जो GM1 सेंसर है वह भी एक ट्रू 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसमें भी 48 मिलियन पिक्सल होते हैं और इसका हर एक इंडिविजुअल पिक्सल का साइज 0.8 माइक्रोन होता है। और जो सोनी का IMX586 सेंसर है उसमें भी 48 मिलियन पिक्सल होते हैं और इसका भी हर एक इंडिविजुअल पिक्सल का साइज 0.8 माइक्रोन ही होता है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों? सैमसंग के GM1 सेंसर और सोनी के IMX586 सेंसर में सिर्फ उनके पिक्सल्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, जिसके कारण हमको सैमसंग के GM1 सेंसर से जो इमेज मिलता है उसमें हमको सोनी IMX586 के जो इमेज मिलता है उसके जितना शार्प नहीं होता और उसके जितना डिटेल्स हमको नहीं मिलता। लेकिन इसका जो कलर एक्यूरेसी है वो बेटर होता है थोड़ा सा, इसलिए हमको इसमें कलर एक्यूरेट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और वहीं बात करें सोनी के IMX586 सेंसर के बारे में, तो इसमें से जो हमें इमेज मिलता है उसमें ज़्यादा शार्पनेस होता है और ज़्यादा डिटेल देखने को मिलता है सैमसंग के GM1 सेंसर के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब इन दोनों के पिक्सल का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पर कॉपी में डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। जो हमारा नॉर्मल 12 मेगापिक्सल का कैमरा होता है उसका सेंसर साइज 8 mm होता है, 8 मिलीमीटर, और उसमें एक इंडिविजुअल पिक्सल का साइज होता है 1.4 माइक्रोन या फिर 1.25 माइक्रोन का एक पिक्सल का साइज होता है। और इसमें जो पिक्सल का अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से होता है। पहले मान लीजिए पहला पिक्सल रेड पिक्सल है तो दूसरा पिक्सल ग्रीन होता है, फिर तीसरा पिक्सल ग्रीन होता है, फिर चौथा पिक्सल ब्लू होता है। उसी तरह फिर से रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, इस तरह से उसका पूरा नॉर्मल पिक्सल का अरेंजमेंट होता है। दोस्तों इसी तरह से 12 मेगापिक्सल के 8 mm वाले सेंसर पर 1.4 माइक्रोन के पूरे 12,120,000 पिक्सल्स को यहाँ पर फिट किया जाता है, जिससे हमारा 12 मेगापिक्सल का सेंसर तैयार होता है। दोस्तों यहाँ पर सैमसंग ने क्या किया है, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल के 8 mm वाले साइज पर ही पूरे 48 मिलियन पिक्सल को फिट करने के लिए, पूरे 4,80,00,000 पिक्सल को फिट करने के लिए यहाँ पर हर एक पिक्सल जो 1.4 माइक्रोन का होता है उसे कम करके 0.8 माइक्रोन का कर दिया गया है। और यहाँ पर 0.8 माइक्रोन के छोटे 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 पूरे 4,80,00,000 पिक्सल को फिट किया गया है, तब जाकर हमारा जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो तैयार हो पाया है। दोस्तों यहाँ पर सोनी ने भी ऐसी सेम काम किया है, 12 मेगापिक्सल के 8 mm के स्पेस पर ही पूरे 4,80,00,000 पिक्सल को फिट करने के लिए यहाँ पर भी सोनी ने हर एक पिक्सल का साइज है उसको 0.8 माइक्रोन का किया है। और यहाँ पर पूरे छोटे 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 0.8 माइक्रोन के पिक्सल को 4,80,00,000 पिक्सल पूरा फिट किया गया है, तब जाकर यहाँ पर सोनी का IMX सेंसर भी तैयार हो पाया है 48 मेगापिक्सल वाला। अब इसका अरेंजमेंट कैसे किया गया है ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। यह जो पिक्सल का साइज है वो 0.8 माइक्रोन ही है, बट मैंने आपको कैमरा में दिखाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा बनाया है। यहाँ पर जो पिक्सल का अरेंजमेंट होता है सैमसंग के GM1 सेंसर में हुआ इस नॉर्मल पिक्सल के अरेंजमेंट जैसा नहीं होता है, यह थोड़ा अलग होता है। इसमें पहला पिक्सल रेड है तो
तो यहाँ पर दूसरा पिक्सल भी रेड होता है, तीसरा पिक्सल भी रेड होता है, चौथा पिक्सल भी रेड होता है, फिर उसी तरह यहाँ पर दूसरा पिक्सल यहाँ पर फिर ग्रीन होता है, तो यहाँ पर भी ग्रीन होता है, यहाँ भी ग्रीन होता है, फिर ग्रीन होता है, यहाँ ग्रीन होता है, पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर ब्लू 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 ब्लू। इस तरह से सैमसंग के GM1 सेंसर में पिक्सल का अरेंजमेंट होता है। और इसी तरह दोस्तों सोनी के IMX586 सेंसर में भी इसी 0.8 माइक्रोन के पिक्सल का अरेंजमेंट इसी नॉर्मल सेंसर की तरह होता है, जिससे यहाँ पर हमको ट्रू 48 मेगापिक्सल का इमेज मिलता है। यहाँ पर पहले नॉर्मल सेंसर की तरह रेड होता है, फिर ग्रीन पिक्सल होता है, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू। यहाँ पर सारे पिक्सल्स की अलग अलग कलर डिफाइन होता है। यहाँ पर सारे पिक्सल अलग अलग कलर को कैप्चर करने के लिए कैपेबल होते हैं। और सैमसंग के GM1 सेंसर में दोस्तों आपको मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लीजिए सैमसंग के GM1 सेंसर से हम कोई इमेज क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए वाला रेड इस पॉइंट को क्लिक करता है, तो सारे रेड एक जगह चिपके होने के कारण ये रेड भी इसी पॉइंट को क्लिक करता है, ये रेड भी इसी पॉइंट को कैप्चर करता है, ये रेड भी इसी पॉइंट को कैप्चर करता है। सारे एक जगह होने के कारण एक ही पॉइंट को कैप्चर करते हैं, और अगर अलग अलग होते तो ये अलग अलग पॉइंट को कैप्चर करते, लेकिन सारे एक जगह होने के कारण एक ही पॉइंट को कैप्चर करते हैं, जिससे हमें इसके इमेज में लाइट तो थोड़ा ज़्यादा बेटर मिल जाता है इस सोनी IMX586 सेंसर से, बट जो इसके इमेज में डिटेल्स होता है वो सोनी IMX586 के जितना शार्प नहीं होता, और यहाँ पर जो डिटेल्स मिलता है हमको इमेज में वो इसके मुकाबले कम मिलता है यहाँ पर। यही रीज़न है दोस्तों कि हमको यहाँ पर ज़्यादा शार्प इमेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, और ये सारे एक जगह होने के कारण एक बड़ा पिक्सल की तरह काम करते हैं 1.6 माइक्रोन के, इसीलिए यहाँ पर हमको थोड़ा लो लाइट परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है, इससे थोड़ा सा बेटर। सारे पिक्सल एक जैसे काम करते हैं बड़े पिक्सल की तरह है। और यहाँ पर सोनी के सेंसर में क्या होता है दोस्तों, सारे पिक्सल्स अलग अलग है, एक रेड यहाँ है तो इसके बाद यहाँ पर रेड है, फिर यहाँ रेड है, फिर यहाँ रेड है, ये सारे रेड अलग अलग, सारे ग्रीन अलग अलग और सारे ब्लू अलग अलग जगह पर होते हैं। इसलिए मान लीजिए अगर सोनी के सेंसर से हम कोई इमेज क्लिक करते हैं, तो ये वाला रेड इस पॉइंट को क्लिक करता है, तो दूसरा रेड इस पॉइंट को क्लिक करेगा, तीसरा रेड इस पॉइंट को क्लिक करेगा, और इसी तरह सारे रेड और सारे ग्रीन और सारे ब्लू अलग अलग पॉइंट को कैप्चर करते हैं, और साथ में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कैप्चर करते हैं। इसलिए हमको यहाँ पर सोनी के IMX586 सेंसर में ज़्यादा डिटेल्स, ज़्यादा शार्प इमेजेस देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल इमेज की बात करें दोनों सेंसर की, तो हमको दोनों सेंसर के इमेजेस में ज़्यादा ज़्यादा बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हमको जो सैमसंग का GM1 सेंसर से जो इमेज मिलेगा वो थोड़ा कलर एक्यूरेट उसका ज़्यादा लगेगा, और सोनी का IMX586 सेंसर में जो इमेज मिलेगा उसमें डिटेल्स और शार्पनेस ज़्यादा होता है। और जब हम नॉर्मली देखें फ़ोटो को दोनों का बिना जूम किए, तो लगेगा कि सैमसंग का GM1 सेंसर से जो इमेज क्लिक किया गया है वो थोड़ा बेटर है, लेकिन हम वही जूम करके देखते हैं तो सोनी के IMX586 वाले सेंसर से जो इमेज क्लिक किया गया होता है वो ज़्यादा बेटर लगता है, उसमें ज़्यादा शार्पनेस होता है, ज़्यादा डिटेल्स हमको देखने को मिलता है। बस दोस्तों यही कुछ ये बातें थी, कुछ जानकारियाँ थी इन दोनों सेंसर्स के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप जब भी हमारा कोई वीडियो शेयर करते हैं तो हमें हमारे वीडियो के लिए व्यूज़ और चैनल के लिए सपोर्ट हमें दोनों मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।